प्रॉब्लम होगी अगले हफ्ते मुझे दिखा देना। हैंड हाइजीन का ज़्यादा ध्यान रखना, ग्लासेस भी पहनना। गले दर्द, घर में किसी और की आँखें लाल हैं बच्चे? दिन में तीन बार। बेटा आप थोड़ा इधर देखो, नज़र हाँ इधर देखो, इस फ्लू की रोकथाम में सबसे इम्पोर्टेंट ये रहेगा कि हर कोई अपना हैंड हाइजीन का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखे। हर किसी को चाहिए बार बार हाथ धोए, खासकर अगर आपके संपर्क किसी ऐसे व्यक्ति से हो जिसकी आंखों में बहुत ज़्यादा लालगी सूजन है, जिसकी आंखें चिपक रही हैं, चिपचिपा पानी निकल रहा है। अगर आप ऐसे किसी व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो आपको तुरंत ही हाथ धो लेना चाहिए। कोई 30 सेकंड से 2 मिनट तक हैंड वॉश अच्छे से रनिंग वाटर सोप से कर लें या हैंड सैनिटाइज़र पास रख लें। कोविड के टाइम तो सभी ने हैंड सैनिटाइज़र और हाइजीन के बारे में काफ़ी सीख ली है, वही सीख अब फिर से रीअप्लाई करनी है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कंटेजियस है, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेबल है, बहुत फास्ट स्प्रेड हो रहा है एक इंसान से दूसरे इंसान में, और हम इसकी चेन को इजीली ब्रेक कर सकते हैं अपना हैंड हाइजीन मेंटेन करने के लिए। अगर कोई किसी को है ऐसी प्रॉब्लम आपके आसपास तो उनको यही गाइड करें कि जा करके अपना आई चेकअप कराएं प्रॉपर, और इधर उधर से अपनी मर्जी से गलत मेडिसिन ना ले लें। आजकल एंटीबायोटिक ड्रॉप्स, लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स हम दे रहे हैं, लेकिन ये है कि प्रॉपर ट्रीटमेंट कराना ज़रूरी है। ठीक है, कईयों को खाने वाली दवाई भी देनी पड़ती है, किसी को कोई थोड़ा डिफरेंट भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो प्रॉपर आई चेकअप करें, हैंड हाइजीन का ध्यान रखें, ग्लासेस डार्क गॉगल्स पहने और डिस्टेंस मेंटेन करें। शेयरिंग नहीं होनी चाहिए, जैसे कॉमन आर्टिकल्स रहते हैं घरों में, टॉवल, हैंकी, इवन पिल्लो कवर, बेडशीट, सब कुछ अलग हो और हैंड हाइजीन का बहुत ध्यान हो। एक से दूसरे में हो जाता है, पूरे परिवार को इस तरह से फैल जाता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि शेयरिंग ऑफ आर्टिकल्स नहीं हो।